अस्मत, अस्मत जी क्या हुआ? यार पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, वो बुला रहे हैं। क्यों? अब क्यों बुला रहे हैं? बोलो। वो दुआ का बयान लेना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप दुआ को अपने साथ लेकर आइए। शहजाद मेरे साथ जा रहा है। लेकिन शहजाद को क्यों लेके जा रहे हैं? अरे शहजाद को बच्चों के पास छोड़ूंगा ताकि खाला जी को ले जा सकूं। बेचारी खाला जान, इस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाएंगे सही भाइयों के। नहीं मेरे ख्याल से ठीक है अगर खाला जी साथ जा रही है, बहुत जरूरी है। दुआ बहुत कंफर्टेबल होकर बयान दे सकेगी। चलो शहजाद जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। सड़क के चल का काम। अगर दुआ ने पुलिस वालों के सामने ये इतराफ ना किया कि भाईजान बेकसूर है तो पुलिस वालों ने नहीं छोड़ेंगे, पक्की एफआईआर कटेगी। अब देखो शानी बेचारा तो इतना डर गया यहां कमरे में भी नहीं आ रहा। दादी क्या पुलिस वाले बाबा को बहुत मारेंगे? जब हरकतें ऐसी करेगा तो हार तो पहनाने से रहे वो। क्या उन्होंने बाबा को खाना दिया होगा? खाला जी दुआ को पुलिस स्टेशन जाना होगा मेरे साथ। हाईला क्यों? वो दुआ का बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि कार्रवाई कर सके। पर बेटा सब सच्चाई तो उनको मालूम हो गई है, अब बच्ची को परेशान क्यों करना चाहते हो? जब तक वो खुद बयान नहीं देगी आगे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। अच्छा तो फिर मैं भी उसके साथ जाऊंगी। चलिए ठीक है, मैं शहजाद को यहीं रुकवा देता हूँ बच्चों के साथ। ठीक है आओ तुम बैठो, मैं दुआ से कहती हूँ तैयार हो जाए। आ जाओ बेटा। दुआ तुम्हें घबराना नहीं है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुमने वहां जाके सिर्फ सच बोलना है। देखो जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है हमसे हमारी जिंदगी छीनने का। तुम समझ रही हो ना मेरी बात?